दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति सुजुकी एक्सेल 6 का। इसकी एक्स शोरूम प्राइस शुरू होते हैं 11.56 लाख रुपीज से। आपको इसमें 9 वेरिएंट्स मिलते हैं और 9 कलर ऑप्शन मिलते हैं। ये कार आपको पेट्रोल और सीएनजी में अवेलेबल है। यहाँ पर हम इसके फ्रंट्स की डिज़ाइन देख पा रहे हैं, टर्न इंडिकेटर्स देख पा रहे हैं। आपको इसमें हेडलाइट एलईडी मिलती है, टेल लाइट्स आपको एलईडी मिलती है, डे टाइम रनिंग लाइट्स भी आपको एलईडी में मिलती है। यहाँ पर हम इसकी डे टाइम रनिंग लाइट्स और टर्न इंडिकेटर्स देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश दिखते हैं। इसके साथ ही आपको पेडल लैंप मिलता है, फॉलो मी होम हेड लैंप का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है। इस कार के ग्रिल्स के डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर हम इसका साइड प्रोफाइल देख पा रहे हैं, ओवरव्यू माउंटेड इंटरनल इंडिकेटर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम सुजुकी का लोगो देख पा रहे हैं। ग्रिल की बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश डिज़ाइन हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम फिर से इसका ओवरव्यू माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स देख पा रहे हैं, वो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगता है। यहाँ पर हम इसके अलॉय व्हील्स देख पा रहे हैं। इस कार में आपको हेडलाइट एडजस्टर मिलता है, केबिन लैंप आपको फ्रंट और रियर में मिलेंगे। अब हम बात करेंगे इस कार के टायर्स के बारे में। आपको इस कार में अलॉय व्हील्स मिलते हैं, स्पेयर व्हील आपको स्टील रिम में मिलेगा। फ्रंट टायर और रियर टायर साइज है 195/60 R16 की। यहाँ पर हम इसके टेल लाइट्स देख पा रहे हैं। इस कार की रियर प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश दिखती है। यहाँ पर हम सुजुकी का लोगो देख पा रहे हैं। ऊपर हम रूफ माउंटेड एंटीना और रूफ रेल्स देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगते हैं। आपको इसमें डिफॉगर और रियर वाइपर मिलता है। यहाँ पर आप सीएनजी का बैजिंग देख पा रहे हैं। सुजुकी का लोगो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पर एक्सेल 6 की बैजिंग है। आपको एलईडी टेल लाइट्स मिलती है, टर्न इंडिकेटर्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं। इसकी डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन है। अब हम बात करेंगे इस कार के सस्पेंशन के बारे में। इसमें आपको फ्रंट में मिलता है मैकपर्सन स्ट्रक्ट एंड कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन। रियर में आपको मिलता है टॉर्जन बिन एंड कॉइल सस्पेंशन। इसके साथ ही आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। इसकी मिनिमम टर्निंग रेडियस 5.2 मीटर्स की है और स्टीयरिंग इसमें आपको पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलती है। अभी हम इस कार का बूट ओपन करने वाले हैं और देखेंगे कि आपको बूट में कितनी जगह मिलती है। आपको इस कार में 209 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। आपको इसमें सीएनजी सिलेंडर भी आएगा बूट में, वो छोड़कर आपको 209 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 60 लीटर्स की है। आपको ये कार पेट्रोल और सीएनजी में मिलेगी। इसमें आपको 5 डोर्स मिलते हैं। इसकी सीटिंग कैपेसिटी 6 पर्सन की है। नंबर ऑफ सीटिंग रोज आपको इसमें 3 मिलते हैं। यहाँ पर हम इसका बूट स्पेस देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ से हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर और फ्रंट सीट्स देख पा रहे हैं। यहाँ पर एसी के वेंट्स भी हम देख पा रहे हैं, केबिन लैंप्स देख पा रहे हैं। इसकी डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन और स्टाइलिश है। यहाँ पर हम इसका रियर के सीट्स देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको बूट स्पेस दिख रहा है। नीचे आपको सिलेंडर की जगह मिलेगी। यहाँ पर आपको सीएनजी सिलेंडर की फिटिंग्स मिलेगी। सीएनजी सिलेंडर होते हुए भी आपको इसमें 209 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। अब हम बात करेंगे इस कार के ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के बारे में। इसमें आपको एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी ABS मिलता है। EBD यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको इसमें मिलती है। यहाँ फिर से हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर और सीट्स की डिज़ाइन देख पा रहे हैं। बूट्स का स्पेस हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। डोर की डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन है। इसमें आपको ब्रेक असिस्टेंस मिलता है, इलेक्ट्रॉनिकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी आपको इसमें मिलता है। यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिलता है। लॉक अनलॉक के अरेंजमेंट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी हम इसका बूट क्लोज कर रहे हैं। इसके रियर की प्रोफाइल बहुत ही स्टाइलिश और बढ़िया दिखती है। इस कार में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और हिल डिसेंट कंट्रोल नहीं मिलता। यहाँ पर हम CNG का बैजिंग देख पा रहे हैं। रियर की प्रोफाइल हम पूरी तरह से देख पा रहे हैं। टर्न इंडिकेटर्स, DRLs, नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं। आपको इसमें डोर हैंडल, एक्सटर्नल डोर हैंडल क्रोम फिनिश के साथ मिलेंगे। यहाँ पर हम इसकी साइड प्रोफाइल भी देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगती है। अलॉय व्हील की डिज़ाइंस भी बहुत ही बढ़िया है। अभी हम चलेंगे इसके ड्राइवर सीट पर। यहाँ पर हम इसके डोर की डिज़ाइन देख पा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल रिट्रेसेबल मिरर मिलता है। विंडोज़ के कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलते हैं। डोर हैंडल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। लॉक अनलॉक के अरेंजमेंट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। नीचे आपको बॉटल होल्डर मिलता है, कुछ जगह एक्स्ट्रा मिलती है वहाँ पर। यहाँ पर हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर देख पा रहे हैं। स्टेयरिंग की डिज़ाइन देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगती है। इस कार में आपको मिलता है 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले, जो आता है स्मार्ट कनेक्टिविटी एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। इसमें आपको इंटीग्रेटेड इंडस म्यूजिक सिस्टम मिलती है और 6 स्पीकर्स मिलते हैं। यहाँ पर हम इसकी टच स्क्रीन देख पा रहे हैं। 7 इंच की टच स्क्रीन बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगती है। इसके साथ ही आपको इस कार में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। वॉइस कमांड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर इसका ग्लो होता हुआ डिस्प्ले देख पा रहे हैं। इसमें GPS नेविगेशन सिस्टम आपको नहीं मिलती है। इसमें आपको ब्लूटूथ कॉम्पैटिबिलिटी मिलेगी, AM/FM रेडियो मिलेगा, USB के ऑप्शंस मिलेंगे।
7 इंच की टच स्क्रीन बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगती है। यहाँ पर हम इसके कंट्रोल्स देख पा रहे हैं, नीचे आप एसी के कंट्रोल्स देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको यूएसबी और 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट्स मिलते हैं। नीचे आपको मोबाइल रखने के लिए जगह भी मिलती है। आपको यहाँ पर इसके नीचे दो कप होल्डर मिलते हैं, वो कूलिंग के साथ आते हैं। यहाँ पर हम मैनुअल गियर बॉक्स देख पा रहे हैं, गियर नॉब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप हैंड ब्रेक देख पा रहे हैं। आपको इसमें ड्राइवर आर्मरेस्ट मिलता है, वो भी स्टोरेज के साथ, बहुत ही बढ़िया आर्मरेस्ट मिलता है। आप इसको आगे और पीछे कर सकते हैं आपके कंफर्ट के अनुसार। यहाँ पर हम ड्राइवर साइड कुशन वाइजर देख पा रहे हैं, उसके ऊपर आपको मिरर नहीं मिलेगा। इनसाइड रियर व्यू मिरर देख पा रहे हैं। ग्लास होल्डर हम यहाँ पर ही देख पा रहे हैं, आपको सनग्लास होल्डर इसमें मिलता है। यहाँ पर हम केबिन लैंप्स देख पा रहे हैं, इसके साथ ही यहाँ पर आपको पैसेंजर वाला सनवाइजर देख पा रहे हैं, उसके ऊपर आपको मिरर मिलेगा। ग्रैब हैंडल की डिज़ाइन हमने अभी देखी, यहाँ पर नीचे हम डोर की डिज़ाइन देख पा रहे हैं। इस कार के फिट और फिनिश बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स मिलता है, इसमें हम कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। यहाँ पर हम इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगते हैं। अभी हम चलेंगे इस कार के रियर सीट्स पर और देखेंगे कि आपको वहाँ पर कितनी जगह मिलती है, लेग रूम कितनी मिलती है। इसके डोर हैंडल क्रोम फिनिश के साथ आते हैं, वो बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगते हैं। यहाँ पर हम इसके डोर की डिज़ाइन देख पा रहे हैं। इस कार का परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा है। यहाँ से हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर फिर से देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, नीचे आपको कुछ जगह मिलती है। यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं, हम यहाँ से एसी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर फैंस कंट्रोल आपको मिलते हैं। यहाँ पर हम रियर सीट्स देख पा रहे हैं, थर्ड रो के सीट्स भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपको इसमें ऑल सीट्स के लिए हेडरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर हम केबिन लैंप देख पा रहे हैं, केबिन लैम्प की डिज़ाइन भी बहुत ही बढ़िया है। आपको इस कार में 8-way मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलता है। यहाँ पर हम आर्मरेस्ट देख पा रहे हैं। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट 6-way मैनुअली मिलती है। लेग रूम आपको इसमें बहुत ही बढ़िया मिलता है। हेडरेस्ट सभी सीट के लिए मिलते हैं। रियर सीट एडजस्टमेंट आपको 6-way मैनुअली मिलती है। इसमें आपको थर्ड रो सीट एडजस्टमेंट 4-way मैनुअली मिलेगी। सीट्स इसके फैब्रिक के बने हुए हैं, आप यहाँ पर रूफ रेल देख पा रहे हैं। सेकेंड रो के सीट्स आपको कैप्टन सीट्स मिलते हैं, थर्ड रो के सीट आपको बेंच टाइप मिलते हैं। अभी हम इसका बोनेट ओपन करने वाले हैं। बोनेट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर मिलेगा, इसको खींचते ही आपका बोनेट ओपन हो जाएगा। इस कार के इंटीरियर सिंगल टोन ब्लैक कलर में मिलते हैं। रियर आर्मरेस्ट आपको इसमें मिलते हैं। रियर सीट फोल्डिंग हम पार्शियली कर सकते हैं। फ्रंट सीट में पॉकेट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर हम इसके फिर से फ्रंट की डिज़ाइन देख पा रहे हैं, सुजुकी का लोगो देख पा रहे हैं, फॉग लैम्प देख पा रहे हैं, LED हेडलाइट हम देख पा रहे हैं। अभी हम इसका बोनेट ओपन कर रहे हैं और जानेंगे कि इंजन और ट्रांसमिशन में आपको क्या मिलता है। यहाँ पर हम इसका इंजन देख पा रहे हैं, ब्रेक ऑयल की पोजीशन देख पा रहे हैं, वाइपर वाटर फिल करने की हम जगह देख पा रहे हैं, बैटरी की पोजीशन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए आपको मिलते हैं। लॉक अनलॉक के अरेंजमेंट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस कार में आपको मिलता है 1462 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन 4 वॉल इंजन, इसको हम K15C बोलते हैं। इसमें फ्यूल हम CNG यूज़ करेंगे। मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 87 BHP की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 121.5 Nm का। इसमें आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलेगा, इसके साथ ही आपको इसमें मैनुअल 5 गियर ट्रांसमिशन सिस्टम मिलेंगी। इसके इमिशन स्टैंडर्ड BS6 फेज 2 के अनुसार है। इसमें आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग और आइडियल स्टार्ट स्टॉप मिलेगा। अल्टरनेट फ्यूल हम इसमें पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसके फ्रंट लुक्स देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगते हैं। यहाँ पर हम इसके टर्न इंडिकेटर्स भी देख पा रहे हैं, डे टाइम रनिंग लाइट्स देख पा रहे हैं। इसकी LED बहुत ही बढ़िया लगती है। इसमें आपको इंजन इमोबिलाइजर मिलता है, सेंट्रल लॉकिंग आपको इसमें कीलेस मिलते हैं। इसके साथ ही आपको स्पीड सेंसिंग डोर लॉक मिलता है और चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी मिलता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस कार के सेफ्टी के बारे में। इसमें आपको ओवर स्पीड वार्निंग मिलती है, 3-star ग्लोबल एनकैप टेस्ट रेटिंग के साथ ये कार आती है। इसमें आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं, ड्राइवर फ्रंट पैसेंजर, ड्राइवर साइड फ्रंट पैसेंजर साइड। इसमें आपको मिडल रियर 3-point सीट बेल्ट मिलता है। TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको इसमें नहीं मिलती है। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स और सीट बेल्ट वार्निंग आपको इसमें मिलती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस कार के कंफर्ट और कन्वीनियंस की। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आपको एयर कंडीशनर मिलेगा। रियर में आपको ब्लोअर वेंट्स ऑन रूफ कॉमन फैट स्पीड कंट्रोल मिलेगा। इसमें आपको हीटर मिलेगा, इसके साथ ही केबल बूट एसेस मिलेगी। एंटी ग्लेयर मिरर मैनुअल इंटरनल ओनली मिलेगा। इसमें आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल आपको इसमें मिलता है, हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है। ये कार आती है कीले स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ। इसमें आपको स्टेयरिंग एडजस्टमेंट, टिल्ट और टेलीस्कोपिक मिलते हैं। 12 वोल्ट के 3 सॉकेट्स आपको इसमें मिलते हैं। यहाँ पर हम इसका फ्रंट लुक देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगता है। इस कार का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। एक्सटीरियर में आपको सनरूफ मूनरूफ नहीं मिलता है, रूप माउंटेड एंटीना आपको मिलता है, बॉडी कलर्ड बम्पर्स आपको इसमें मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस कार के मैन्युफैक्चरर वारंटी की। इस कार में आपको 40,000 किलोमीटर्स की 2 साल की वारंटी मिलती है। आपको ये कार बहुत पसंद आएगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.